गाइज आज तक हमारे दिलदास भाई ने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे वो घोस्ट चैलेंज हो या फिर डीप फॉरेस्ट चैलेंज, हमने हर एक वीडियो पर बिना कुछ सोचे समझे विश्वास किया है कि भाई ये वीडियो तो मैं भी एडिट करके बना सकता हूँ। हम लोगों को पागल समझा है क्या, कौन सा केमिकल यूज किया है, आई एम वेरी स्केयर्ड। जिसे देख कर ही दिलदास भाई ने एक कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किया है, पार्ट टू कब चाहिए कालिंग घोस्ट वाली वीडियो का, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पार्ट टू देखना एक बार, कब चाहिए पार्ट टू। आपको पता होगा कि दिलराज भाई पूरे 2 महीनों के बाद वापस आए हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ वापस आए हैं जिसने पूरी टाइटेनियम आर्मी को ही भ्रमित कर दिया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका भ्रम दूर हो सकता है, बस आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, हो सकता है कि आप में से एक मूवमेंट। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई घोस्ट इफेक्ट है या फिर साइंस का कोई लॉजिक। गाइज वैसे घोस्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन साइंस का एक लॉजिक मुझे जरूर पता है जो कि इस वीडियो में हो सकता है। गाइज इसके लिए मुझे आपको थोड़ी केमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी। व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कि अपनी शुद्ध अवस्था में हवा में रखने पर ही जलने लगता है, लेकिन इसका दहन गर्म ना होकर बल्कि ठंडा होता है और संपर्क में रखी किसी चीज को ठीक से जला भी नहीं पाता। मतलब अगर आप शुद्ध व्हाइट फास्फोरस अपने हाथ पर रखते हैं तो ये जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे ना तो आप हीट फील करेंगे और ना ही आपका हाथ जलेगा। और इसी वजह से जब दिलराज साइंस के बारे में मुझे जहाँ तक पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी इस बारे में आप सब लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। अब यार वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और मुझे पता है कि आप में से काफी लोग इस वीडियो को अपलोड करने के 2-3 दिन बाद भी देखेंगे, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।